होशे नो इजराइल को दंड की घोषणा। हे इजराइल, तू देश देश के लोगों के समान आनंद में मगन मत हो, क्योंकि तू अपने परमेश्वर को छोड़कर वेश्या बनी। तूने अन्न के हर एक खलिहान पर छिनाले की कमाई आनंद से ली है। वे न तो खलिहान के अन्न से तृप्त होंगे और न कुंड के दाख मधु से, और नए दाख मधु के गढ़ने से वे धोखा खाएंगे। वे यहोवा के देश में रहने न पाएंगे, परंतु एप्रैम मिस्र में लौट जाएगा, और वे असुर में अशुद्ध वस्तुएं खाएंगे। वे यहोवा के लिए दाख मधु का अर्घ न देंगे और न उसके बलिदान उसको भाएंगे। उनकी रोटी शोक करने वालों का सा भोजन ठहरेगी। जितने उसे खाएंगे सब अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भोजन वस्तु उनकी भूख बुझाने ही के लिए होगी, या यहोवा के भवन में न आ सकेगी। नियत समय के पर्व और यहोवा के उत्सव के दिन तुम क्या करोगे? देखो वे नष्ट होने के डर के मारे चले गए, परंतु वहाँ मर जाएंगे, और मिस्री उनके शव इकट्ठा करेंगे और मोब के निवास से उनको मिट्टी देंगे। उनकी मनभावनी चांदी की वस्तुएं बिच्छू पेड़ों के बीच में पड़ेगी और उनके तंबुओं में झड़बेरी उगेगी। दंड के दिन आए हैं, बदला लेने के दिन आए हैं, और इजराइल यह जान लेगा उनके बहुत से अधर्म और बड़े देश के कारण। भविष्यवक्ता तो मूर्ख, और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वह बावला ठहरेगा। एप्रैम मेरे परमेश्वर की ओर से पहरवा है, भविष्यवक्ता सब मार्गों में बहेलिया का फंदा है, और वह अपने परमेश्वर के घर में बैरी हुआ है। वे गिबा के दिनों की भांति अत्यंत बिगड़े हैं, इसलिए वह उनके अधर्म की शुद्धि लेकर उनके पाप का दंड देगा। इजराइल का पाप और उसका प्रतिफल। मैंने इजराइल को ऐसा पाया जैसे कोई जंगल में दाग पाए, और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसी दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है। परंतु उन्होंने पोर के बाल के पास जाकर अपने को लज्जा का कारण होने के लिए अर्पण कर दिया, और जिस पर मोहित हो गए थे वे उसी के समान घिनौने हो गए। एप्रैम का वैभव पक्षी के समान उड़ जाएगा। न तो किसी का जन्म होगा, न किसी को गर्भ रहेगा, न कोई स्त्री गर्भवती होगी। चाहे वे अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर बड़े भी करें, तो भी मैं उन्हें यहाँ तक निर्वस करूँगा कि कोई भी न बचेगा। जब मैं उनसे दूर हो जाऊँगा तब उन पर हाय, जैसे मैंने शोर को देखा वैसा एप्रैम को भी मनभावने स्थान में बसा हुआ देखा, तो भी उसे अपने बच्चों को घातक के सामने ले जाना पड़ेगा। हे यहोवा, उनको दंड दे। तू क्या देगा? यह कि उनकी स्त्रियों के गर्भ गिर जाएं और सतन सूखे रहें। इजराइल का अन्याय। उनकी सारी बुराई गिलगाल में है, वही मैं उनसे घृणा की। उनके बुरे कामों के कारण मैं उनको अपने घर से निकाल दूंगा, उनसे फिर प्रीति न रखूंगा, क्योंकि उनके सब हाकिम बलवा करने वाले हैं। एप्रैम मारा हुआ है, उनकी जड़ सूख गई है, उनमें फल न लगेगा। चाहे उनकी स्त्रियां बच्चे भी जने, तो भी मैं उनके जन्मे हुए दुलारों को मार डालूंगा। इजराइल के विषय नबी की चेतावनी। मेरा परमेश्वर उनको निकम्मा ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने उनकी नहीं सुनी। वे जाति जाति के बीच मारे मारे फिरेंगे। थैंक यू।